अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो पढ़ना है वो है 3.4 ग्रामर, यूनिट 3 है और इसकी आज हमने ग्रामर को डिस्कस करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट आज का हमारा टॉपिक है। सो ये है क्या, ये अभी हम डिस्कस करते हैं और इसको अच्छे से देखेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस को भी हम देख लेंगे, ठीक है। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। तो जो प्रोनाउन होते हैं वो आपको पता है किसी भी नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह लेते हैं, इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन को रिप्लेस करें, नाउन की जगह लें, तो उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, सबसे पहले प्रोनाउन हमने देख लिया। एंटीसीडेंट वो चीज़ होती है जिसको कोई भी नाउन रिप्लेस कर रहा है, कोई भी प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इट प्रोनाउन है, ये इट इस कपबोर्ड को रिप्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो कपबोर्ड है ये इसका प्रोनाउन का ये एंटीसीडेंट है, और ये है ये जो ये प्रोनाउन है इट, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट हमें क्या करना है, प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट से एग्री होना चाहिए। कोई भी प्रोनाउन है अपने एंटीसीडेंट से कभी एग्री ना हुआ तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखें आप, इट लगा हुआ है कपबोर्ड की जगह, तो कपबोर्ड एक बेजान चीज़ है और इसके लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इट सही लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर हिम लगा दूँ या फिर हिज लगा दूँ तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमेशा एंटीसीडेंट और प्रोनाउन के बीच में जो एग्रीमेंट है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए, इसे हम कहते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। हमेशा नंबर्स, जेंडर्स और पर्सन्स में ये मतलब नंबर्स भी सेम होने चाहिए। अगर वहाँ पर इट है तो इट लगाना चाहिए, अगर कपबोर्ड्स हैं तो हमें क्या लगाना, यहाँ पर इट्स लगाना होगा या फिर कुछ और जो हमें देखेंगे अभी वही लगाएंगे, ठीक है। एन एंटीसीडेंट इज़ नाउन और प्रोनाउन दैट अ पर्सन रिफर्स टू रिप्लेस। तो एंटीसीडेंट वो चीज़ है जो जिसको जो प्रोनाउन है वो रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटीसीडेंट वो नाउन है जिसको हमारा जो प्रोनाउन है वो रिप्लेस करता है। तो इस यहाँ पर एंटीसीडेंट के मतलब प्रोनाउन के दो पार्ट्स हैं। एक है प्रोनाउन एग्रीमेंट इन नंबर्स, एग्रीमेंट के मतलब दो पार्ट हैं। पहला हम ये डिस्कस करने वाले हैं एग्रीमेंट इन नंबर्स, नंबर्स में कैसे प्रोनाउन एग्री होता है सिंगुलर एंड प्लूरल से, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमें प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें प्रोनाउन भी प्लूरल लगाना है। आइए देखते हैं। इफ़ द एंटीसीडेंट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर प्रोनाउन, इफ इट इज़ प्लूरल देन यूज प्लूरल प्रोनाउन। तो अगर हमारा जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना है, और अगर वो प्लूरल है तो हमें प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करना है। एग्जांपल्स देखते हैं। बिकॉज दिस कपबोर्ड इज़ ऑलमोस्ट 200 ईयर्स ओल्ड, इट इज़ हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कपबोर्ड सिंगुलर है, कपबोर्ड क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कपबोर्ड सिंगुलर है और इसके सामने हम यहाँ पर अगर इसका प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो इट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इट क्या है, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखें, द फिटिंग्स इन द हाउस आर नोटिसेबली डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉडर्न काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पर फिटिंग्स जो हैं वो प्लूरल हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इट नहीं बल्कि देयर यूज़ किया है, क्योंकि देयर एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हमें सिंगुलर एंटीसीडेंट सिंगुलर हो तो हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना है, और एंटीसीडेंट प्लूरल हो तो हमें प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करना है। तो सिंगुलर प्लूरल हो गए। अब हम नीचे कंपाउंड सब्जेक्ट्स को देखते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या हैं, वो सब्जेक्ट्स जो दो सब्जेक्ट्स या तीन सब्जेक्ट्स हो जो एंड से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कौन से हैं ये। यहाँ पर देखें, कपबोर्ड और ड्रेसर दोनों एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। और इनके सामने क्या लगेगा, इनके सामने प्लूरल प्रोनाउन हमेशा लगता है। तो जब भी हमें दो चीज़ें दी गई हो, कंपाउंड सब्जेक्ट हो, तो हमें वहाँ पर जो प्रोनाउन है वो प्लूरल यूज़ करना है। द टाइनी कपबोर्ड एंड ड्रेसर स्टिल हैव देयर ओरिजिनल हार्डवेयर। तो दो चीज़ें हैं, इसीलिए यहाँ पर इट नहीं बल्कि देयर लगा हुआ है, मतलब प्लूरल एंटीसीडेंट मतलब प्लूरल प्रोनाउन लगा हुआ है, दो एंटीसीडेंट हैं इसीलिए। सना एंड सारा हैव देयर, यहाँ पर भी देयर लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब सना एंड सारा दो लड़कियाँ हैं, और ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल, ठीक है। दो सब्जेक्ट हो गए तो हमें प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड रूल है वो है, ए प्रोनाउन दैट रिफर्स अ नाउन जॉइंड बाय आर और नॉर, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी सेंटेंस में नॉर लगा हुआ है या आर और लगा हुआ है तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है। तो वहाँ पर हम प्लूरल यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन दोनों कैसे यूज़ कर सकते हैं आप सोच रहे होंगे। तो जब हमारे पास जो नियरेस्ट प्लूरल मतलब प्रोनाउन के जो नियरेस्ट जो होगा सब्जेक्ट वो कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें ये देखना है। तो ये जो
प्रोनाउन है इसके पास में जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हमें यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना है। तो इट्स यूज़ हुआ है, मतलब द एडमिनिस्ट्रेशन है, तो दो चीज़ें, लेकिन जो लास्ट वाली चीज़ है जो प्रोनाउन के पास में है वो सिंगुलर है इसीलिए। तो नाइदर द साइंटिस्ट नॉर द एडमिनिस्ट्रेशन नेगलेक्ट इट्स ड्यूटीज़। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन सिंगुलर है, तो हमने हैं तो दो चीज़ें ना, फिर भी हमने यहाँ पर इट्स लगाया है, इसका मतलब ये है कि इसके नियरेस्ट जो भी सिंगुलर होगा प्लूरल होगा तो हमें वहाँ पर उसका प्रोनाउन भी प्लूरल और सिंगुलर करना पड़ेगा। Neither the administrator nor the scientist have neglected there. तो फिर से यहाँ पर देखें, अभी इसके पास वाला जो है प्रोनाउन वो हमेशा यहाँ पर देखें आप कौन सा लगा हुआ है, प्लूरल है, तो हमें यहाँ पर ये भी प्लूरल लगाना है, इसका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं कलेक्टिव नाउन, अगर कोई एंटीसीडेंट कलेक्टिव नाउन है तो हमें क्या करना है, कलेक्टिव नाउन मतलब ऑडियंस, अभी ऑडियंस में बहुत सारे लड़के मतलब औरतें सब कुछ आ जाती हैं, तो ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, फैमिली कलेक्टिव नाउन है ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के आगे हमें सिंगुलर लगाना है या फिर प्लूरल लगाना है, फिर हमें ये देखना है कि एक सिंगल यूनिट की तरह ये एक्ट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, अगर सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो हमें सिंगुलर प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। देखें तो द फैमिली दैट ओन्स द हाउस लॉन ट्रेजर इट्स ट्रेजर ठीक है। तो यहाँ पर इट्स मतलब सिंगुलर लगा हुआ है, तो फैमिली का कलेक्टिव एक कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर लगा दिया है ठीक है। उसके बाद दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, क्लास हैज़ बीन वेटिंग ईगरली टू सी इट्स न्यू इंग्लिश टीचर, जो क्लास है वो वेट कर रही थी अपने नए इंग्लिश टीचर को देखने के लिए, तो यहाँ पर इट्स है, इट्स क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर क्लास कलेक्टिव नाउन है इसलिए हमने सिंगुलर प्रोनाउन लगाया है। तो दूसरा जो फैमिली है, फैमिली हैव देयर फ्रेंड्स टू सी द हाउस, तो फैमिली है उसने अपने फ्रेंड्स को देखना चाहे, मतलब इसको छोड़ दें, देयर लगा हुआ है इस फैमिली के साथ, फैमिली कलेक्टिव नाउन है तो देयर क्यों लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो सभी सिंगुलर थे लेकिन यहाँ पर जो फैमिली है वो प्लूरल है आप देख सकते हैं, क्योंकि जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो सभी इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअली सब लोग, मतलब सब लोग चाहते हैं कि वो उनके दोस्त से मिलें इसीलिए, तो यहाँ पर देयर लगा हुआ है प्लूरल प्रोनाउन। उसके बाद जेंडर एंड पर्सन को देखते हैं, जेंडर जो भी जेंडर लगा हुआ हो उसकी तरह ही आपने उसके जो सेम बनते हैं जेंडर के जो प्रोनाउन वो आपने लगाने हैं, जैसे यू यूअर आप हैं तो यहाँ पर यूअर लगेगा, यू के साथ यूअर हमेशा लगता है, वी के साथ हमेशा अस लगता है, और यहाँ पर एनी एक्ट्रेस के साथ हमेशा, मतलब कोई भी अगर औरत हो तो हमें हर लगाना चाहिए ठीक है, एस्ट्रोनॉट हो तो वो हिज, मतलब फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है, इसीलिए अगर मेल हो तो आपको हिज लगाना है, फीमेल हो तो हर लगाना है ठीक है। ये हो गई हमारी प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, इसको मैं एक दो सॉल्व करवाता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेना ठीक है, हमारे पास टाइम कम है। कैथी हैज ऑलवेज लाइक्ड डॉट हाउस एंड शी गॉट एन आइडिया फॉर बिजनेस फ्रॉम देयर बेबी हॉबी। तो जो कैथी है वो डॉट हाउसेस बनाना मतलब पसंद करती है, तो उसने क्या किया, उस अपनी मतलब हॉबी को बिजनेस बनाया। तो यहाँ पर देखो देयर लगा हुआ है, तो देयर यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि इसने एक कैथी एक ही थी, यहाँ पर सिंगुलर लगेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, हर ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देयर को काट कर यहाँ पर हर लगा देना ठीक है। तो आगे चलते हैं, हर ब्रदर्स मेक डोर्सेस फॉर सेल नाइदर शी नॉर हर ब्रदर्स गेव ऑल हर टाइम, तो हर टाइम नहीं होगा क्योंकि ब्रदर्स हैं, तो यहाँ पर देयर टाइम होगा ठीक है, यहाँ पर देयर होगा ठीक है। तो टाइम कम है, आगे वाले अभी आप कर लेना और आगे चलते हैं। एक हमारा और टॉपिक है यूज़ ऑफ कॉमा, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद खत्म करते हैं। यूज़ ऑफ कॉमा ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द कॉमा, इसको छोड़ें। रूल यूज टू सेट ऑफ द नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस, हमें क्या करना है, ऐसे क्लासेस जो उसी उस जुमले से मिलते नहीं है उसमें कॉमा, उसको कॉमा में बंद करना है। मोहम्मद खान हु शो यू लाइक विल होस्ट अ पार्टी ठीक है दिस वीक, तो जो मोहम्मद खान है ठीक है इसके बारे में एक चीज़ इसने बोली है ठीक है, हु शो यू लाइक जिसका मैंने आपको दिखाया था ठीक है, तो ऐसा बोला है, तो इतना ये जो है ये कॉमा में बंद किया हुआ है क्योंकि ये इस सेंटेंस में नहीं आता बल्कि एक अलग सा सेंटेंस है ठीक है। नवीद हु स्पेंड लास्ट टाइम 3 days फिशिंग, जिसने 3 दिन मतलब फिशिंग की थी, इज़ द बैक इन द, तो मतलब ये दो एक सेंटेंस को बीच में तोड़ कर ये छोटा सा बड़ा आ गया दूसरा सेंटेंस, तो ये हो गया हमारा, इसको हमने कामा में बंद कर दिया है ठीक है। तो कामा का यूज़ इसमें ऐसे ही होता है ठीक है। तो दूसरा रूल है, हमें दो वर्ड्स ऐसे हैं किसी मतलब कोई जिसकी बात हो रही है उसके बारे में हम कोई और चीज़ बताना चाहें तो उस पर भी हम उसको बंद कर देंगे कॉमा में। माय ब्रदर एन इंजीनियर, तो मेरा भाई मिसाल के तौर पे इंजीनियर है, तो मैं मेरे भाई की बात कर रहा हूँ तो मैं एन इंजीनियर बता सकता हूँ बीच में, तो इसको हम कॉमा में बंद करेंगे। इलामा इकबाल द पोइट ऑफ द ईस्ट, तो इलामा इकबाल का ये लकब है पोइट ऑफ द ईस्ट, तो इसको भी हम कॉमा में बंद करेंगे ठीक है।
उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है सिद्दीक मिर्ज़ा अलायर, ठीक है। तो यहाँ पर अलायर को हम कॉमा में बंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिद्दीक मिर्ज़ा का एक लकब है, वो एक लायर है, ठीक है। उसके बाद उसकी बात हो, तो ये आप नीचे में नीचे भी देख सकते हैं। इसको भी आपने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, गवादर कोस्ट लाइन इज़ द लॉन्गेस्ट रीजन। तो गवादर का कोस्ट लाइन बड़ा रीजन है, और आप दो सेंटेंस को अपने कवर करके एक सेंटेंस बना देना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।